नमस्ते, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? भागवत, मैं गोवर्धन में रहता हूँ। कितने साल के हो? 3 साल का। 3 के हो? हरे कृष्णा छंदया। वो पढ़ते कौन सी क्लास में? कुरकुल। ABCD पढ़ते हो आप? हाँ। क्या क्या है उसमें ABCD में? A for apple? नहीं, अर्जुन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और इस वक्त मैं वृंदावन में हूँ। लगातार मैं आपको विभिन्न प्रकार के साधु, संत, तपस्वी, साधक, विदेशी साधक, इन तमाम श्रृंखलाओं के साथ संवाद दिखाता हूँ, इंटरव्यूज दिखाता हूँ। लेकिन ये अब तक का हमारा एक ऐसा साक्षात्कार है, एक ऐसा इंटरव्यू है जो बहुत छोटे बच्चे के साथ है। नमस्ते, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? भागवत। कहाँ पे रहते हो? मैं गोवर्धन में रहता हूँ। गोवर्धन में? कौन से, कितने साल के हो? मैं 3 साल का। 3 के हो? और पढ़ते कौन सी क्लास में? गुरुकुल। अच्छा, गुरुकुल में पढ़ते? स्कूल नहीं जाते आप? नहीं। तो गुरुकुल में क्या क्या पढ़ते? भगवत गीता? क्या उसमें क्या पढ़ा अभी तक आपने? श्लोक याद है आपको कोई? सुनाओ। तरम क्षेत्र कुरुक्षेत्र स्वम्भे तरुरुचवा बाम का सेवा कि मकुर वच्छंदया। ये क्या है, भगवत गीता? हाँ। किसने सिखाया? पापा। पापा ने? पापा अच्छे हैं या मम्मी अच्छी हैं ज्यादा? पापा। मम्मी क्यों नहीं? मम्मा गंदा। गंदी है क्यों? मारती है ना? हैं, मम्मी मारती हैं, डांटती भी हैं। अच्छा, और कोई श्लोक नहीं आता? कुछ और सुना दो। हाँ सुनाओ। बड़े होके क्या बनोगे? प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी कौन थे ये? अच्छा, इन्होंने क्या किया था? प्रचार करा था। काहे का? भगवत गीता का। आप भी भगवत गीता का प्रचार करोगे? हाँ। कैसे? हाँ, बड़े होके। और ये जो आपने रखा हुआ है, ये क्या करते हो इसका? बजाता हूँ। बजा के दिखाओगे? हाँ। लो बजाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे जय जय प्रभुपाद 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 जय शिला प्रभु दया दया गुरुदेव प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल तै गोरा हरि बोल नामते तवकारा कमला मरे नाखा
कपड़े आपको किसने दिलाए? कपड़े। अच्छा ये बताओ भागवत, ये जो आपने बजाया और गाया ये आपको किसने सिखाया? रूपाज जी ने। रूपाज जी आए थे सिखाने? हाँ। हैं? हाँ। कब आए? कल। कल आए थे? हाँ। अच्छा अच्छा ये बताओ कि इसको भजन जो आप गाते हो इसको गाने में मजा आता है कुछ? हाँ। ए बी सी डी पढ़ते हो आप? हाँ। क्या क्या है उसमें ए बी सी डी में? ए फॉर एप्पल? नहीं, अर्जुन। बी फॉर बलराम। सी फॉर चैतन्या। डी फॉर दामोदर। ई फॉर एक चक्कर। एफ फॉर फ्लूट। फ्लूट हैं? फ्लूट क्या चीज होती है? कितना बजाते हैं? आप भी बजाते हो? नहीं। आप भी सीख लो? नहीं। अच्छा जी फॉर गंगा। और एच फॉर हनुमान। अच्छा ये बताओ आपका नाम भागवत किसने रखा? कृष्णा ने। कृष्णा ने रखा? कृष्णा आए थे रखने? हुँ. तो ये जो आपने लगाया है ये क्या चीज है? ये तिलक। किसने लगाया ये? मम्मा ने। इसको लगाने से क्या होगा? कुछ होगा? हाँ। क्या? अच्छे कितना कुछ हो जाएंगे। खुश हो जाएंगे? हाँ। पक्का? हाँ। और ये जो गले में माला है ये क्या है? ये माला। किस चीज की? जपा करने की। जब इससे जब कौन सा करते हो? मंत्र हरे कृष्ण। अच्छा आपका कोई दोस्त है? कौन है? हरिहंस। हैं? हरिहंस। हरिहंस वो कहाँ रहते हैं? वो तो वहीं रहता है गोवर्धन में। गोवर्धन में? और आप? मैं तो गोवर्धन में ही रहता हूँ। गोवर्धन कहाँ है? गोवर्धन तो पास में ही है। पास में है? आपका घर वहीं है? हाँ। मुझे ले चलो अपने साथ? नहीं। कितने साल के हो बताओ? धूप लग रही है। अच्छा रुको। हाँ। नहीं अभी नहीं जाने देंगे, वो देखो फिर सब देख रहे हैं उसमें। अच्छा पापा यहीं बैठ जाएंगे, चलो आ जाओ। ये आपका मृदंगम मैंने ले लिया। हाँ। चलो आप गाओ, मैं बजाऊंगा। गाओ चलो। मैं ये सही बजा रहा हूँ? सही बजा रहा हूँ? चलो फिर गाओ। जाया गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, जाया गिरी गोवर्धन। अब दूसरा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल, नित्य गौरा हरि बताओ। अच्छा भागवत ये बताओ ये कौन है? पापा। क्या नाम है इनका? अकाम प्रभु जी। प्रभु जी हैं? हाँ। और आप क्या हो? मैं तो भागवत हूँ। अच्छा मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप इनको स्कूल में नहीं पढ़ाते? इन्होंने कहा मैं तो गुरुकुल में जाता हूँ। तो ऐसा क्यों? तो इन्होंने बोला कि मैं तो स्कूल भी नहीं जाता और भगवद गीता के श्लोक और भजन और ये, मतलब मैंने तो नहीं देखा कि किसी माँ बाप ने अपने बच्चों को ये दिलाया हो। माँ बाप अपने बच्चों को टॉयज दिला देते हैं, वीडियो गेम्स, टेलीविज़न, कार्टून नेटवर्क। आपने ये दिला रखा है, चुटिया रखी है और जैसे खुद कपड़े पहने हैं वैसे इनको पहनाए हैं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट? एक्चुअली क्या है प्रभु जी, हमने इसको गुरुकुल की शिक्षा दिला रहे हैं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन से। जी तो जी। उस गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन में हम लोगों को यही सिखाया जाता है कि एक्चुअली बचपन से लेकर अभी तक जो स्टूडेंट नॉलेज लेता है वो केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केवल ये एक तरफा नॉलेज लेता है जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी इनकम्प्लीट हो जाती है। बचपन से लेकर अभी तक जो स्टूडेंट नॉलेज लेता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, वो केवल एक तरफा डेवलपमेंट करती है, केवल बॉडी का डेवलपमेंट करती है, वो सोल का डेवलपमेंट नहीं करती। तो हमारा ये कहना है कि आज हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा आवश्यक है ये ज्ञान देना, जो सनातन धर्म का ज्ञान है, जो हमारी भगवद गीता का ज्ञान है, क्योंकि वो बिल्कुल लुप्त होता जा रहा है। अभी ये लुप्त हो गया, इसीलिए आजकल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनमें टेंशन्स हैं, डिप्रेशन्स हैं, वो फोकस नहीं कर पाते, वो कॉन्सेंट्रेशन नहीं ला पाते, वो उनसे अगर आप लाइफ में वो फेलियर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं फेलियर? सब कुछ होने के बाद भी, इतना नॉलेज होने के बाद भी आईआईटी के स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है उनका? यही कारण है क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के लिए आपको दोनों नॉलेज लेना ज़रूरी है।
एक भौतिक ज्ञान जो हम बचपन से लेकर बच्चों को देते हैं, जो कि मटेरियल जो स्कूल्स में मिल रहा है, और एक आध्यात्मिक ज्ञान जो हमें नहीं मिल रहा। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को संज्ञान गुरुकुल के तहत भगवद गीता की ये ज्ञान देते हैं, जिससे कि बच्चों को ये सब नॉलेज पता लगे और तो वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सके। भगवद गीता का ज्ञान आप दे देंगे, वैदिक चीजों का ज्ञान दे देंगे, भजन सिखा देंगे, मंत्र सिखा देंगे, श्लोक सिखा देंगे, लेकिन ये सब आध्यात्मिक शिक्षा देने के बाद आप भौतिक शिक्षा कैसे देंगे? कल के दिन आपका बच्चा कहने लगे जी मैं तो डॉक्टर बनूंगा, वो बन ही नहीं सकता, कैसे बन जाएगा वो? ऐसा नहीं है, हम एक्चुअली दोनों ज्ञान देते हैं। ईशो उपनिषद हमारा एक शास्त्र है, वेदों का एक उपनिषद है ईशो उपनिषद। तो उस ईशो उपनिषद में लिखा है कि बचपन से 5 साल की अवस्था से बच्चों को दोनों ज्ञान देने चाहिए, एक आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान क्यों? जिससे कि वो अपना जीवोपार्जन कर सके। अब डिपेंड करता है कि जो बच्चा है उसकी मेंटेलिटी कैसी है, वो ब्राह्मण की मेंटेलिटी का है, वो क्षत्रिय की मेंटेलिटी का है, वो वैश्य की मेंटेलिटी का है, या फिर वो शूद्र की मेंटेलिटी का है। तो मतलब कहने का ये है मेरा कि आप इनको बनाना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली? एक्चुअली हम भागवत को भगवद गीता और सनातन धर्म का प्रचारक बनाना चाहते हैं, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके। नहीं, आप तो कह रहे कि हम प्रचारक बनाना चाह रहे, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जो रो रहे हैं इस बात पर कि उनका बच्चा प्रचारक बन गया, उनका बच्चा भक्त बन गया, या उनका बच्चा साधु बन गया। ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे मतलब गलत बात है। जो माता पिता हैं अगर वो ऐसा सोचते हैं तो उनकी मेंटेलिटी बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप देखेंगे अगर क्रिश्चन में कोई पादरी बन जाता है, कोई प्रीस्ट बन जाता है, तो उनके घर में पार्टी होती है। तो ठीक है, जाओ। अगर मुस्लिम धर्म में कोई मौलवी बन जाता है तो उनके घर में जनाजा नहीं होता जैसे हिंदुओं में होता है, उनके घर में एक जश्न होता है, उनके घर में जश्न होता है, हमारे घर में जनाजा होता है। यही तो हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे हिंदुओं की। इसलिए हमारा एक ही नारा है कि हिंदुओं हिंदू बनो, हमें मुसलमान को हिंदू नहीं बनाना, हमें क्रिश्चियन को हिंदू नहीं बनाना, हमें हिंदुओं को हिंदू बनाना है। क्योंकि आज हमारे जो हिंदू भाई बहन है उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी है। आपने भी देखा होगा आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो वेदों का ज्ञान देते मिल जाएंगे, या जो कथा बाँचते मिल जाएंगे, जो बड़े बड़े पंडालों में कथा करते मिल जाएंगे, लेकिन जब आप उनके खुद के घर में देखोगे तो बाबा जी या मतलब कथावाचक महोदय तो कथा कर रहे हैं भागवत की, कथा कर रहे हैं राम जी की, लेकिन जब उनके बच्चे देखेंगे तो वो या तो DPS में पढ़ रहे हैं, या DAV में पढ़ रहे हैं, या फिर लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, बाहर किसी देश के शिक्षण संस्थान में या स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। इसको बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड। कथनी कुछ है मंच पर, करनी कुछ है। लेकिन मुझे आज पहली बार एक ऐसे शख्स मिले हैं जिनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि जैसे खुद हैं वैसे ही बच्चे को बनाना है, बच्चे को भागवत और गीता और इसके साथ साथ वैदिक शिक्षा का प्रचारक बनाना है, आध्यात्मिक पुरुष बनाना है जो ज्ञान का प्रचार करे। तो बहुत धन्यवाद आपका आज की हमारी इस श्रृंखला में, और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि जैसा इन्होंने कहा हिंदू, आप स्वयं पहले हिंदू बनिए। इंद्रम वर्धन्तु अप्तुरहा अपाघ्नन्तो रावणा कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। हमें दुनिया को श्रेष्ठता का संदेश देना है, पहले हम खुद बने फिर दूसरे को बनाएं। तो आज की श्रृंखला में इतना ही। आपको भागवत कैसा लगा? आज के लिए इस श्रृंखला में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए ऐसे व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। नाम उनसे पूछेंगे और कितने साल के, क्या हुआ? एक मिनट क्या हुआ? माइक किलरी भागवत इधर उधर मत देखो बेटा, घर में लग रही है, आज आ रही है। हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया। देख रहा है? कौन देख रहा? वो मंकी। अरे बंदर आ गए ना। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हरे कृष्णा। भागवत प्रभु गिव गीता के संज्ञान गुरुकुल में पढ़ते हैं जो गोवर्धन में है। बच्चों के लिए संज्ञान गुरुकुल की ऑनलाइन गीता कक्षाएं भी होती हैं। उसके लिए आप 7210082100 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। पेरेंट्स से भी अनुरोध है, वो भी भगवद गीता को समझें और अपने बच्चों को भी भगवद गीता समझाएं। गीता समझने के लिए givegita.com पर जाएं और फ्री गीता कोर्स डाउनलोड करें या फिर ऑनलाइन सुनें। यह गीता कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध है।
हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएं और गिव गीता टाइप करें, GIVE GITA। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद साधना सेक्शन में जाएं और भगवद गीता का कोर्स सुनें, और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर माता पिता इस बात को समझें कि उनको भी अपने बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान, भगवद गीता का ज्ञान देना चाहिए।